जम्मू कटरा और रा। आज की हमारी जो यात्रा है वो होगी शिवखोड़ी की, बहुत ही कमाल की जगह है, यहाँ से करीब 85 किलोमीटर। लेकिन उससे पहले जो है हम यहाँ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करना चाह रहे हैं। ये दो रूम है जो हमने करीब 1000 रुपए में लिए हैं, इट्स अ अफोर्डेबल रेट। वाईफाई, गीजर, हर तरह की फैसिलिटी आपको मिलेगी, क्योंकि इंटरनेट तो आप चला नहीं सकते, तो आपको वाईफाई वैसे भी चाहिए। और नीचे आपको बहुत सही खाना, मैं एक्चुअली सुबह भी मैंने खाया, बहुत ही कमाल का खाना। अभी हम वहीं जाएंगे और सीधा वहां पर ब्रेकफास्ट करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू शिवखोड़ी, जो कि उधमपुर जिले में है। और हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शन था कि हमने एक गाड़ी जो कर ली 12 सीटर, और उसमें हमने किया है, उसका प्राइस अराउंड 3500 पड़ा है हमें। और यहाँ से फिर हम सीधा डायरेक्ट निकलेंगे रणसू, जहाँ पे है शिवखोड़ी, करीब 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई पे। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद हम निकलते हैं शिवखोड़ी के लिए। एक्चुअली 12 सीटर जो गाड़ी हमने बुक की है, और इसी से हम जाएंगे शिवखोड़ी। अंदर एंट्री करते हैं, अपनी जर्नी शुरू करते हैं। फिलहाल अभी 30 किलोमीटर की अभी जर्नी अभी हमारी रह गई है शिवखोड़ी की, और थोड़ा सा ब्रेक आप ले सकते हैं क्योंकि बीच में काफ़ी अच्छी जगह पड़ेंगी। तो अभी यहाँ पर हम रुके हैं थोड़ा सा लेमन वाटर और थोड़ा चाय वाय पीने के लिए, और यहाँ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर शिवखोड़ी है। ध्यान रखिए क्योंकि थोड़ा सा घुमाव रहेगा, तो घुमाव में ना आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वो जो मोशन सिकनेस है वो थोड़ा हो सकता है। अभी यहाँ पर मेरे साथ जो थे उनमें से एक दो को वाकई में उल्टी वगैरह भी हुई है, तो थोड़ा सा यदि बीच में एकदम ब्रेक ले के चलेंगे तो थोड़ी सी जर्नी आपकी नो कंफर्टेबल होगी। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा चाय वाय पी के, थोड़ा सा फ्रेश फील करके, एंड देन हम अपनी शिवखोड़ी की जो ये जर्नी है वो करेंगे। बाकी यार कमाल का जो यहाँ पर है अभी पेड़ पौधे वगैरह, और बहुत ही मैग्निफिसेंट वेदर यार, ठंड ठंडी हवा चल रही है, और भोले बाबा की हमारी जो जर्नी है बाकी कमाल की जा रही है। और ये एक्चुअली मैं आ चुका हूँ मैं शिवखोड़ी, और यहाँ पे आपको एक्चुअली में जब मैंने बोला भी लास्ट में, उन्होंने एक अमाउंट दिया उनको और उन्होंने कुछ पर्ची वगैरह दी थी, यहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी जो आपकी पर्सनल व्हीकल होती है जो आप लेके आए हैं साथ में, एंड देन आपको यहाँ पे कुछ और एक व्हीकल और मिलेगा जो आपको थोड़ा आगे की तरफ लेके जाएगा जहाँ से आपकी एक्चुअली में चढ़ाई शुरू होगी। आप वॉक करके भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, कुछ लोग पैदल भी जा रहे हैं, लेकिन बेनिफिशियल रहेगा कि बेटर है कि आप यहाँ की जो कुछ मिलती है गाड़ियाँ वो आप लें, वो गाड़ी लेके देन फिर हम पहुँचेंगे चढ़ाई के लिए। और एक्चुअली मैं यहाँ पे मेन जगह पे आ चुका हूँ। मैंने थोड़ा मालूम किया कि एक्चुअली में रीज़न ये था कि 12 सीटर वाली गाड़ी थी हमारी, तो इस चक्कर में हम जो है यहाँ तक नहीं जा पाए। बाकी यदि आपकी फास्ट फोर व्हीलर है तो आपको वहाँ पर कोई गाड़ी लेने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पर सीधा गाड़ी ले सकते हैं। और ये मेन पॉइंट है शिवखोड़ी का, जहाँ से करीब चढ़ाई होगी 2.5 से 3 किलोमीटर की, देन फिर आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। और जो शिवखोड़ी की यात्रा है वो यात्रा शुरू करने से पहले आपको एक्चुअली में यहाँ पे जो स्क्रीन बोर्ड है वहाँ पे से रजिस्ट्रेशन स्लिप लेनी होगी, जैसा कि वैष्णो देवी की यात्रा में होता है, और वो स्लिप लेके देन आपको जमा करानी होगी जो शिवम द्वार लिखा हुआ है यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे ठीक मेरे पीछे की तरफ। और यहाँ से फिर आप जो रजिस्ट्रेशन स्लिप दे देंगे देन फिर आपकी जो यात्रा है वो शिवखोड़ी की शुरू होती है। तो फिलहाल हमारी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो अभी हम ले रहे हैं, देन उसके बाद हम अपनी जो जर्नी है ये करीब 3-3.5 किलोमीटर की वो कंटिन्यू करते हैं। जिस जगह पे शिवखोड़ी है आता है उस जगह को बोला जाता है रणसू, और रणसू का मतलब यानी रण से बना है, यानी कि भस्मासुर और भगवान शिव के बीच जो युद्ध हुआ था उस रण की वजह से इस जगह का नाम जो है रणसू था। और रणसू से ही करीब 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई पे जाके शिवखोड़ी की गुफा आती है, जहाँ पर भगवान शिव, उनका बहुत ही खूबसूरत शिवलिंग है, गुफा के अंदर आप जाएंगे जैसे ही, और करीब
500 मीटर की तो अभी डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया, बहुत ही स्पीडली चल रहा हूँ क्योंकि टाइमिंग मेरे पास थोड़ा सा कम है। तो एंजॉय कीजिए क्योंकि पहाड़ों की इन वादियों से और ये यात्रा आपको बहुत अच्छा और यानी कि डेफिनेटली कमाल का एटमॉस्फेयर देती है। अभी थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ आपको। महेशम सुरेशम सुरारार्तिनाशम सुरारार्तिनाशम। और ठीक मेरे पीछे जो मंदिर आप देख रहे हैं ये है भगवान श्री राम का मंदिर जो यहाँ पे बीच में अभी आया है। और बगल में जो है नदी बह रही है, एक पुल है जिसको क्रॉस करते हैं और आपकी यात्रा कंटिन्यू रहती है। कमाल का एटमॉस्फेयर यार, जो कह सकते हैं कि आप जैसे जैसे वादियों में चलते हुए और भगवान की यू नो दर्शन करते हुए चलते हैं तो एटमॉस्फेयर ऑटोमेटिकली बेटर होता चला जाता है। अब हमारी जो जर्नी है वो करीब रह गई है 2 किलोमीटर की शिवखोड़ी तक की। और जिस तरह से हमने स्पीड मेंटेन किया, आई थिंक पिछले 20 मिनट में आई थिंक हम लोगों ने करीब 1.5 किलोमीटर कवर कर लिया है ऑलरेडी। नमस्ते नमस्ते विभो विश्व। और ये हमारा शिवखोड़ी का जो केव है करीब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, यहाँ से स्ट्रेट जाना है और सिर्फ 1 किलोमीटर है यहाँ से। और बिल्कुल हम आज इस ट्रैक के बिल्कुल पास में है और यहाँ पर थोड़ी दूरी पर आएगा लक्ष्मी गणेश जी का मंदिर। और ठीक मेरे पीछे जो ये पानी बह रहा है इसको दूध गंगा बोला जाता है, बहुत ही पवित्र है, बाथिंग प्लेस भी है और यहाँ पर आप नहा भी सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, काफ़ी पवित्र माना जाता है। जो घोड़े जा रहे हैं, ये जो रास्ता जा रहा है फिलहाल ये वाला, ये एक मेन रूट जा रहा है। इसके अलावा यदि आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ से कच्चा रास्ता जो कुछ शॉर्टकट पहुँचा देगा थोड़ा ऊपर की तरफ, बिट ऑफ शॉर्टकट। यदि आप पैदल आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ये वाला रास्ता भी पकड़ सकते हैं। सारे जहाँ पे सारे के सारे जो खच्चर हैं उनको सिर्फ यहीं पर चारा खिलाया जाता है। और यहाँ से वो जो रास्ता जा रहा है ये हम आ चुके हैं मेन शिवखोड़ी वाला स्पॉट। काफ़ी क्राउड है बॉस। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ शिवखोड़ी के मेन पॉइंट पे और अभी एक्चुअली में क्राउड बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपको लाइन में लगना पड़ेगा। मैं आपको लाइन दिखाता हूँ और वहीं से सीधे आप जो है दर्शन कर सकते हैं आगे चल के। काफ़ी लंबी लाइन है, आपको 1 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। तो यहाँ के बाद आप मोबाइल भी आपको जमा कराने पड़ेंगे। तो वहाँ से देखने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि गुफा का एक्सपीरियंस क्या है और सारी चीज़ें जो भी मैंने देखी और भी काफ़ी कुछ जगह के बारे में बताना चाहूँगा। तो चलिए और मैं बेसिकली अभी आया हूँ दर्शन करके और मैं एक्सपीरियंस जो बताऊँगा कमाल का, क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं था तो आप बता नहीं सकते, लेकिन जो कुछ भी मैंने देखा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अंदर जो है भगवान शिव के लिए आपको जाना होगा, जो गुफा है उसके अंदर भगवान शिव का एक पिंड है। लेकिन उससे पहले आपको अंदर जो गुफा का सकरा रास्ता है उस सकरे रास्ते में से होकर जाना पड़ेगा और उसके बाद आपको दर्शन होंगे। भगवान शिव वहाँ मौजूद है और उसके साथ कार्तिकेय भगवान गणेश जी, राम दरबार भी है और 33 कोटि देव देवता हैं वो भी वहाँ पर हैं। और ये अपने आप में एक बहुत ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। गुफा के अंदर थोड़ा पानी भी है तो पानी में थोड़े से पैर आपके भीगेंगे और सकरे रास्ते से होकर आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि ट्रैक्स वगैरह में होता है। और वहाँ से आप पाएंगे कि कितना आपका जो पूरा शिवखोड़ी का ये 3.5 किलोमीटर का ट्रैक करके आप पहुँचे वो अपने आप में कितना बेहतर था। और भगवान शिव का ये पूरे इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट मैं कह सकता हूँ कि स्पॉट है। पूरी गुफा में जब आगे आप अंदर पहुँच जाते हैं वहाँ पर एक और रास्ता जा रहा है, वो जा रहा है अमरनाथ गुफा की तरफ। तो अमरनाथ की गुफा की तरफ भी वो रास्ता जाता है, वहाँ से भी आप वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो ये थे हमारी शिवखोड़ी की यात्रा और मैं यही कहूँगा कि वैष्णो देवी यदि आप आए हैं तो शिवखोड़ी ज़रूर जाएँ। 85 किलोमीटर की आपको यात्रा करनी पड़ेगी बाई व्हीकल और उसके बाद 3.5 किलोमीटर का ट्रैक और उसके बाद एक गुफा में भगवान शिव के दर्शन, और इससे अच्छा एक्सपीरियंस आपके लिए नहीं हो सकता। ये था हमारा शिवखोड़ी का पूरा टूर। और रही बात जम्मू की, तो जम्मू की हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी क्योंकि आने वाले टाइम में मैं दोबारा भी जम्मू जाऊँगा।
तो यहाँ की और कमाल की जगहों पे करेंगे। और जब शिवखोड़ी आ रहे होते हैं तो बीच में भी काफ़ी जगह ऐसी आती हैं जो देखने लायक हैं, लेकिन आज टाइम थोड़ा कम था इसलिए मैं नहीं दिखा पाया। तो जम्मू की सीरीज इसी तरह बनी रहेगी, देखते रहिए मेरे साथ और बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप नए यूज़र हैं। मिलेंगे एक और नई सीरीज़ के साथ। बाय।